आजा दिन शामी आजे के तले जा दीवाने नीले आसमान के तले सामने थे पूरे भगवान बद्री विशाल के टेंपल के दर्शन होते हुए। जय जय बाबा बद्री विशाल, हरिहर नारायण नारायण जय नारायण। और गाइस मंदिर के बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़ा हूँ बाबा बद्री के, और अभी वहाँ पे भोग लग रहा है तो इसलिए हम वेट करेंगे 12:30 बजे तक का। और बाकी सामने का दृश्य, ओ भाई साहब, ये देखो मंदिर, जय बाबा बद्री विशाल। और हवा एकदम ऐसी चल रही है ना, टॉप क्लास, वाह वाह। जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय भगवान विष्णु जी की, भगवान नारायण जी की। भाई ये पहली बार में लगता है कि हाँ बहुत गर्म है, और अब ये मतलब गर्म तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत है, पर कुछ भी कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं ना जो जिंदगी भर नहीं भूल जाते हैं, और इसे मैं इसलिए सारी चीजें रिकॉर्ड करते चल रहा हूँ भाई। और ठंडी ठंडी हवाएं क्या लग रही है। जो बद्रीनाथ जी की कहावत है ना, जो जाए बद्री वो ना आए उद्री, मतलब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो बद्रीनाथ टेंपल चले जाए एक बार। जी गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइज। और गाइज अभी हो चुके 5 नवंबर, और भाई आज हमें होने वाले हैं दर्शन बाबा बद्रीनाथ के। और अभी आपको दिखाता हूँ हमारे होटल के बाहर का व्यू भाई साहब, जो सामने दिखा रहा हूँ छत पे जा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, 5-6 डिग्री बस, ज्यादा नहीं है। रुको दिखाता हूँ, देखो पूरा पहाड़ का दृश्य, ओ भाई भयंकर ऐसे हो रहे, हाथ बिल्कुल सुन पड़ने वाले, 1 रुपये तो ऐसे निकल गया शर्ट में। ओ भाई मतलब मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ये पूरा भाई। देखो धूप भी निकली, बता अभी कितने बज रहे, अभी मात्र 7:45 बज रहे हैं। ओ भयंकर, बस हम निकलने वाले आधे घंटे में, हम यहाँ से निकल जाएंगे और आपको दिखा दो सामने का पूरा दृश्य, और फिर हम जल्दी से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस पूरे पहाड़ का व्यू, ओ भयंकर देखो वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई ऊपर भाई साहब, देखो गाइस ये देखो पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई ऊपर, ये देख रहे हो ये सारी बर्फ है यहाँ पे भाई, जोशीमठ से यहाँ पे बर्फ पड़ती है। और ये तो भाई आपको पता ही है ये इलाका तो पूरा, आपको मैं बता ही दूँ। देखो भाई इस टाइम देखो बिल्कुल सब सन्नाटा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से कोई उठता भी नहीं। देखो वेकर ऊपर मफलर, और ऊपर ये पहन रखा कंबल सा ओढ़ रखा भाई, जाके उठने लगती है और शॉर्ट शॉर्ट पहन के घूम रहा। अबे भाई ये भाई ठंडी लग रही है तुझे, ये बता छाती पे लगती ठंडी मानता है, पैरों में ठंडी मानता है। सूर्य देव भगवान जी ने दर्शन दे दिए, और अभी इन पहाड़ों पे, दोनों पहाड़ों पे ऊपर चोटी पे यहाँ पे धूप आ रही है भाई, क्या दृश्य आ रहा है भाई। देख रहे हो अभी वहां से दिखा मैं, क्योंकि इनकी हाइट ऊंची है तो ये दिख रहा है, और बर्फ देखो कितनी प्यारी चमक रही है भाई, देख रहे हो बहुत ही जबरदस्त। अब आ गया हमारा रूम को छोड़ने का टाइम, अब हम जा रहे हैं बस जल्दी से बद्रीनाथ। और भाई अभी कितने बजे, 7:30 बज गए, और ना आ गया हम अच्छे से रेडी हो गए। और देखो ये मेरे आज के कपड़े, ओ भाई धूप देखो कितनी प्यारी हो रही है, आए अब लग रहा है यहाँ पे मौसम सही हो गया, बढ़िया हो रहा ना। चलो गाइस लेट्स गो, और अब गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं। धूप कितनी प्यारी है ना, और ऊपर पहाड़ों में से आई भाई, पहाड़ों से जस्ट अभी निकली है बिल्कुल, बहुत ही गजब। और देखो अब आए यहाँ पे, अब यहाँ पे दुकान वकान खुलनी स्टार्ट होगी, अभी कुछ भी नहीं खुला था यहाँ पे। और ये हमारी गाड़ी जिसने हमारा बहुत साथ दिया, और चलो बैठते हैं इनमें। गुड न्यूज़ दूँ पता क्या है, यहाँ पे नेटवर्क बाहर आके इतने बड़े आ रहे, ऑलमोस्ट 70% हो गया भाई ब्लॉग अपलोड, बद्रीनाथ वाले ब्लॉग का पहला पार्ट आप सबके लिए आ चुका होगा, और बस पूरा ब्लॉग लाइव होने वाला है, मजा आ गए। और बस हम चल रहे हैं, और बस नेक्स्ट पार्ट के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अरे भाई वो देखो वो तैयार है भाई वहाँ पे, ये मुझे बोले ची चाचा आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ भाई, ये देखो ये अंदर बुला रही मेरे को, ये कह रही भैया मतलब चाचा अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ।
ड्रीम था जो आज पूरा हुआ है और थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा भाई साहब। मतलब मैं पहले कभी भी नहीं आया, मैं कभी भी नहीं इतना आया, मैं ऋषिकेश तक आया था, बस उससे ज़्यादा मैं कभी आज तक इतने ऊपर नहीं आया। और आज इतने ऊपर आ गए ना भाई, मतलब इतना बढ़िया फील हो रहा है यार, वो आप शायद व्लॉग में भी ना फील कर पाओ, बट मेरी भावना समझो कि कितना बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे। इसके यहाँ पे मतलब आप सोचो पहाड़ ही दिखा रहा, पहाड़ से ना एक ऐसी वाइब्स आती है ना जो किसी बिल्डिंग से नहीं आती, किसी से भी नहीं आती, वो केवल पहाड़ों से आती है और एक नेचुरल ब्यूटी से आती है। और भाई जो यहाँ पे सूरज पड़ रहा है ना भाई, इतना बढ़िया पड़ रहा है ना भाई, मज़े आ रहे हैं एकदम। और बाकी गंगा है ये भाई, अलकनंदा चल रही है यहाँ पे, ये पूरी अलकनंदा चल रही है ना। और भाई ये डैम मिल गया यार, भाई कैड़ा मिला भाई, कैड़ा भाई। ब्लॉग से कितने बड़े हो जाए, कितने पार्ट में जाए, मुझे कोई कैड नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा हो और आपको जानकारी प्राप्त कर सको बद्रीनाथ के बारे में, ठीक है। और कैसे कैसे यहाँ पे रास्ता है और कैसे कैसे आपको रूट फॉलो करना है। हनुमान जी का मंदिर, हनुमान चट्टी बोलते हैं, और इसके बिना बद्रीनाथ जी की जो पूरी हमारी यात्रा है संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये है देखो, जय बजरंग बली जी की। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है आपको भाई? पैर तो ऐसे हो गए भाई, पैर बिल्कुल सुन से पड़ गए यहाँ पे भयंकर। हाथ भी कब कवा रहे हैं। बजरंग बली जी की जय, श्री राम जय, हनुमान जी की। भाई इतनी बढ़िया फीलिंग हो रही है ना इस टाइम, ठंड वाली है पर एक भगवान जी की वाइब्स आ गए ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है। और एक माथे पे टिक्का भाई, जो ये लगता है ना केसरिया, इससे तो एक मजा आ जाता है। और इसके बिना मैं आपको बताऊँ, इसके बिना कभी भी आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी बद्रीनाथ जी की। तो ये वाला मंदिर है, यहाँ पे जरूर आना, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखो, किसी से पानी भरना नहीं पड़ता, यहाँ पे देखो नेचुरली आप पानी भर सकते हो और इस टैंकर में यही पानी भर के ले जा रहे हो। एक और बढ़िया था फोटोशूट सेशन मिल गया था यहाँ पे, ये चिड़के पेड़ है बिल्कुल नीचे है गाइस, और मैंने यहाँ पे अच्छे से फोटोशूट किया और आपको दिखा देंगे। और भाई हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट पहुंच गए, अब ऐसा रह गया 4-5 किलोमीटर रह गया, ज्यादा दूर नहीं था। और बह गए पूरे सामने से पूरे बर्फ के पार, तो अब दिखने लगे। कितनी बढ़िया पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे, हमारे धर्म से जुड़ी हुई ये सारी पेंटिंग। बद्री विशाल ये आ गया, बस यहाँ से पैदल की होगी, अब यहाँ से पैदल करना पड़ेगा। जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल। वाओ गाइस, मतलब ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये प्रोजेक्ट बनेगा मास्टरपीस प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे किए गए, हॉस्पिटल एक्सटेंशन, अराइवल प्लाजा एंट्री, बादरीश द्वार और देवदर्शिनी पॉइंट, वन वे लूप रोड, ISBT रीडेवलपमेंट, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड टेम्पल प्रीसिंक्ट, ये सब बनेगा। एरियल व्यू पूरा, मतलब ओवरऑल व्यू जो आएगा बद्रीनाथ जी का। ये छोटा सा लेक सा है यहाँ पे, लेक बना हुआ है जो अभी थोड़ा सा गंदा है, बट यार भाई ये जो व्यू है ना भाई, ये मेमोरी में अपने दिल में लेके और इस व्लॉग में लेके जा रहा हूँ भाई, यार मतलब यही देखने का मन कर रहा है यार। और हवा इतनी ठंडी चल रही है ना जबरदस्त। और गाइस ये हमारी आस्था है कि भगवान बद्रीनाथ के द्वार तक हम नंगे पैर जाएंगे, भगवान बद्रीनाथ के द्वार तक हम नंगे पैर जाएंगे। और बस चलो चल रहे हैं, थोड़ी चढ़ाई है, मतलब चढ़ाई नहीं, मतलब पैदल चलने का रास्ता है ना, 1 किलोमीटर करीब है, तो चलो चल रहे हैं भाई। ठंडा तो बहुत लग रहा है, सही बता रहा। पर गाइस भगवान के प्रति आस्था ना सब कुछ भुला देती है, सब कुछ भुला देती है। हमारे देश का झंडा कितनी प्यारी जगह पे लगाया गया है, ब्रो विशेज यू हैप्पी एंड सेफ जर्नी भाई, ये हमारी प्राइड है, हमारा झंडा। और ऐसी जगह भाई दिल खुश करने वाला है भाई, क्या लगाया हुआ है यार, बहुत ही बढ़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, जय इंडियन आर्मी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जो बद्रीनाथ जी की कहावत है ना, जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, मतलब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो बद्रीनाथ टेम्पल चले जाए एक बार। और ये सत्यवाद है भाई, ये स्वर्ग से कुछ कम नहीं है, ये स्वर्ग ही है, ये रास्ता है पूरा जहाँ से हम जाएंगे, ये स्वर्ग से कम नहीं है भाई। और इस छोटी बच्ची की भाई हिम्मत है, जो ये 2 साल से भी कम हो के ये भाई जा रही है, देख रहे हो कितनी हिम्मत है भाई, बहुत हिम्मत कर रही है, हार नहीं मान रही भाई, और हम भी नहीं हार मान रहे, इसीलिए हम नंगे पैर जा रहे हैं भाई। टेम्परेचर ना 2-3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और 2-3 डिग्री में सोच सकते हो पैर कैसे हो गए, ऑलमोस्ट ऐसे लग रही है नहीं, सुन हो चुके, बट कोई बात नहीं, भगवान जी की एक श्रद्धा है हमारे मन में कि हाँ भगवान जी के दर्शन करने हैं और नंगे पैर जाना। ये बाबा जी यहीं पे रहते हैं, बाबा जी बर्फ पड़ने में भी आप यहीं रहते हो भाई साहब, देख रहे हो बाबा जी की हिम्मत है यहाँ पे। जय बद्रीनाथ जी की, नंगे पैर देखो बाबा जी भी नंगे पैर, हम भी नंगे पैर है बाबा जी, श्रद्धा है हमारी। और बाबा जी आप तो नंगे पैर अभी, हम तो 12 महीने, हाँ ये तो 12 महीने यहाँ पे रहने वाले, में से
जय हो बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बद्री विशाल। गाइस ये है पूरा बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल का पूरा मार्केट, पूरा मार्केट यहाँ पे है, जिसके पास थ्रू होके हम जा रहे हैं मंदिर तक। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल। अभी बस मार्केट क्रॉस करके अब बस मेन जो यहाँ पे पैदल का रास्ता है वो हम कर रहे हैं कवर। भाभी जी आती हुई, क्या बात है भाभी जी, बढ़िया लग रहे एकदम, एक नंबर। और वो देखो वेदू आ जा यार भाई, आ जा जल्दी। और यहाँ पे हमारे राहुल भैया और ये वेदू भाई, 2 साल से भी कम की बच्ची हमारी बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जाएगी। जय जय बाबा बद्री विशाल। ओ भाई साहब बहुत तगड़ा। और गाइस ये है हमारी आस्था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो गया 0 डिग्री के आसपास ही आ गया बिल्कुल टेम्परेचर। जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल। 340 किलोमीटर हम कवर करके हरिद्वार से यहाँ आए, किस लिए? भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। और जो कि हमें सामने हो रहे हैं वो है टेंपल गाइस, पीछे पर्वत है पूरे और यहाँ पे हम भगवान बद्री विशाल जी स्थापित हैं और विराजमान है। सामने से दिखाता हूँ गाइस, मतलब ये तो मैं बोलने मतलब निःशब्द हो चुका हूँ, निःशब्द। जय जय बाबा बद्री विशाल जी की, जय जय बाबा बद्री विशाल, जय भगवान बद्री विशाल जी की। ये देखो भाई ब्लू क्लोजली दिखा रहा हूँ, वहाँ पे भीड़ देखो कितनी है। जय जय बाबा बद्री विशाल। ये देखो बस हम पहुँचने वाले यहाँ पे मंदिर में भगवान बद्री विशाल जी के। श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि। दिल्ली का व्यू पूरा, ओ भाई साहब कितनी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे आ रही है। सोचो बस अभी यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी, बस केवल वहाँ पे ऊपर पीक पे, यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी तो भाई अलग ही सीन हो जाएगा। हम पहुँच चुके हैं अभी मंदिर के दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में, यहाँ पे नहाना पड़ता है, यहाँ पे गर्म गर्म पानी आता है ऐसा भाई, इतनी ठंड में भी यहाँ पे सब नहाते हैं, देखो सब नहा रहे हैं यहाँ पे देखो। तो हम भी यहीं पे नहाएंगे और फिर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि इससे पानी से हमारा पूरा शरीर एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। बाबा बद्री विशाल का प्रसाद पवित्र प्रसाद है, जो सब अपने घर लेके जाते हैं और अपने भाई बंधुओं और माता बहनों के साथ बांटते हैं और मिल बांट के उन्हें भगवान जी का आशीर्वाद ग्रहण कराते हैं। आ गए हम यहाँ तप्त कुंड में नहाने के लिए, जो बिल्कुल गर्म गर्म है भाई, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मजा आने वाला है। और ये अपने कपड़े में अंडर गारमेंट्स भाई दिखा देते भाई, चल ठीक है ठीक है भाई, तो बुरा लग रहा है बहुत चल रहा भाई, वो एक ओ भाई तगड़ा चल रहा है। तो मैं एक जय बाबा बद्री वहाँ से देखो वहाँ से आ रहा है गाइस, ये पहली बार में लगता है कि हाँ बहुत गर्म है। और अब ये मतलब गर्म तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत है, पर बद्री जय बाबा बद्री, जय जय बाबा बद्री। गाइस गर्म बहुत है, अगर आप घर के मुताबिक करोगे ना बहुत गर्म है, बट लग नहीं रहा बिल्कुल। इस रास्ते से हम आए थे और पूरे उधर से घूमते घूमते आए और सामने पर्वत भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा आसमान को टच कर रहे हो भाई साहब। ये देखो ये ब्रिज है बस इधर से इधर आने का, ये बाबा बद्री विशाल, ये गाइस ये है बाबा बद्री विशाल का मंदिर। जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बद्रीनाथ, जय जय श्री नारायण 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 हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि। बद्री विशाल भगवान जी, जय 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 बद्री विशाल। चलो 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 अंदर। और गाइस मंदिर के बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़ा हूँ बाबा बद्री के, और अभी वहाँ पे भोग लग रहा है तो इसलिए हम वेट करेंगे 12:30 बजे तक का, और बाकी सामने का दृश्य। ओ भाई साहब ये देखो मंदिर, जय बाबा बद्री विशाल। और हवा एकदम ऐसी चल रही है ना टॉप क्लास, वाह वाह। और यहाँ से देखो सब श्रद्धालु फोटो शूट करते हुए, फोटो लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, और हम भी कर रहे हैं गाइस। और सामने पूरे पहाड़ पूरे हिमालयाज में बसे हुए हैं यहाँ पे।
जय जय बाबा बद्री विशाल। देखो सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि बाबा जी का भोग लग रहा है ना, बाबा बद्री विशाल जी का। गाइस सामने से पूरे भगवान बद्री विशाल के टेंपल के दर्शन होते हुए, जय जय बाबा बद्री विशाल, हरि हर नारायण नारायण जय नारायण, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण। भगवान जी के दर्शन करने के लिए लाइन लग चुके, पूरी कतार लग चुके माँ भगवान जी के, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। पूरा मेन टेंपल जहाँ पे भगवान बद्री की मूर्ति स्थापित है, और सामने यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिर और भी बना रखे हैं, और यहाँ पे घंटियाँ लगाने का वो है प्रचलन है कि जिससे मुरादें पूरी होती है, तो यहाँ पे बस भोग लगा दिया जा रहा है। और भाई मौसम देखो ऑलमोस्ट ख़राब होता जा रहा है यहाँ पे। ओ भाई देखो बादल भी आ रहे हैं और यहाँ पे लाइन लग रही है, मैं भी वहीं पे लगा हुआ था, और आरती भी आ गई। जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल, जय जय बाबा बद्री विशाल। मंदिर के इंटीरियर से मैं दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे पर्वत दिख रहे हैं, और भाई झंडा कितना अच्छा फहर रहा है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं है, बैटरी केवल 3% बची है, और भगवान बद्रीनाथ जी के हमारे सफलता पूर्वक दर्शन हो गए। जय जय बाबा बद्रीनाथ, जय जय बाबा बद्री विशाल। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाकी मेरी तरफ सब को राम राम जी, जय बद्री विशाल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और गाइस भगवान जी का प्रसाद में घर लेके जा रहा हूँ मम्मी पापा जी के लिए और सभी के लिए, और होप करता हूँ आपको अच्छा लगे। और भाई ये जर्नी मेरी यहाँ तक थी, और उसके बाद हम आगे देखता हूँ कितना शूट होता है कितना नहीं, ठीक है, क्योंकि बैटरी नहीं है अब, ठीक है, चलिए बाय बाय। अब पड़ने वाली है यहाँ पे बर्फ जोरदार तरीके से, ओहो बर्फ धीरे धीरे बढ़ती हुई ये देख सकते हो भाई, वाह।